कौन कहता है छेद आसमां में नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसी एक कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध मूवी मांझी की, जो 21 अगस्त 2015 में आई थी, और इस मूवी ने दर्शकों की मेंटेलिटी को पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया था। ये मूवी एक बहुत ही कॉमन मैन की थी और ये फिल्म एक सच्ची प्रेम घटना पर आधारित थी। बिहार गया जिले का एक युवक दशरथ मांझी पर आधारित थी, जो कि कॉमन मैन था, जिसने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। बताया जाता है कि इस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी समय रहते अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी और समय रहते उनकी मौत हो गई थी। उस घटना से सबक लेते हुए मांझी ने पहाड़ को छेनी और हथौड़ी की मदद से काटना स्टार्ट कर दिया। उनका कहना था कि मेरी पत्नी की तरह कोई और रास्ते की वजह से ना मर जाए। छेनी और हथौड़े के सहारे मांझी ने 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर की दूरी में तब्दील कर दिया। बिहार सरकार ने उनके इस कारनामे के लिए उनको सम्मान दिया। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी, इसने दर्शकों की मेंटेलिटी को पूरा चेंज करके रख दिया था। दशरथ मांझी एक कॉमन मैन थे जिनका सोचना सिर्फ एक घटना ने चेंज कर दिया। आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी जिसने शायद आपको चेंज ना किया हो, लेकिन जब आपके सम्मान पे बात आती है, जब आपके प्यार पे बात आती है, तो आप दुनिया उथल पुथल कर देते हो। सो दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मेरी एज हो चुकी है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी का बहुत बड़ा मझधार भरा हुआ है। बट सिंपल सी स्टोरी ये है कि अगर कोई इंसान एकाग्र होकर के, कंसिस्टेंस होकर के किसी भी काम में लगता है, तो वो सारा का सारा इतिहास पलट के रख देता है। और ये इतिहास पलटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इस मूवी ने, इस कहानी ने सिर्फ एक ही सोच बताई है, किस तरीके से इंसान अगर एक चीज की कंसिस्टेंसी के ऊपर लग जाए, तो वो किस तरीके से पूरा का पूरा ब्रह्मांड को चेंज कर सकता है। बट फर्क है सिर्फ सोच की। अगर आज आपने सोच लिया कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती, और अगर आपने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश समझनी है, पढ़नी है, तो आप कुछ भी करके रख सकते हो। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जिद के अंदर सब कुछ चेंज करके रख दिया। सो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरित होकर के अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की हिम्मत रख सकते हो। आपके अंदर ये स्थिरता छुपी हुई है, ये एग्रेशन छुपा हुआ है, सिर्फ उसको निकालने की देर है, बाहर आने की देर है। एक वो इंसान था जिसने छेनी हथौड़े की मदद से या अपनी पत्नी के प्यार में आकर के उसने इतना बड़ा काम, 55 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर के अंदर डाल दिया, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। आपने बहुत एग्जांपल सुने होंगे कि पहाड़ तोड़ रहे थे क्या। सो दोस्तों, पहाड़ तोड़ना भी आसान है अगर आप अपने मन में रख लो। सो थैंक यू सो मच। मैं रोहित कुमार वैश्य आपको मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में विद शिलायुक्त पॉजिटिव।